नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल शक्ति विभाग बग्गी के 80 पार्ट टाइम वर्करों को दिखाया बाहर का रास्ता। जल शक्ति विभाग बग्गी के पार्ट टाइम पर रखे सभी कर्मचारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कर्मचारी 31 मार्च से बेरोजगार हो गए हैं तथा उन्हें अब अपना परिवार चलाने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा है। कर्मचारी जल शक्ति विभाग से रोजगार की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी शिमला क्लीनवेज कंपनी के तहत कार्य कर रहे थे। हिमाचल में इस तरह के 2200 कर्मचारी इस कंपनी के तहत कार्यरत थे, जिन्हें 31 मार्च के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं जल शक्ति विभाग बग्गी ने ऑनलाइन टेंडर कर ठेकेदारों को कार्य दे दिया है तथा इन पुराने लोगों को रखने की हिदायत दी है, लेकिन इन लोगों को आरोप है कि उन्हें बहुत कम पैसे पर ठेकेदार रखना चाह रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है कि उनके बारे में तुरंत सोचा जाए। बग्गी पार्ट टाइम वर्कर्स के प्रधान करमचंद ने बताया कि वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बारे में जल शक्ति विभाग के XEN प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे हिमाचल में 30 मार्च के बाद इन कर्मचारियों को एक्सटेंशन नहीं दी गई है और किसी भी कर्मचारी को नहीं रखा गया है। बग्गी विभाग में 3 ठेकेदारों को ऑनलाइन टेंडर के तहत कार्य दे दिए गए हैं। कुछ ठेकेदारों ने बिल और रेट भरे हुए हैं तथा वो कम पैसे दे रहे हैं। विभाग में सरकार की ओर से 5000 नई पोस्ट भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे ही ये भर्तियां होंगी, ठेकेदारों के कार्य बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि 6 से 8 घंटे ड्यूटी के बजाय प्रदेश भर में 8 से 10 घंटे ड्यूटी देने के लिए मल्टीपर्पज़ वर्कर मजबूर हैं। इसके बावजूद इन कर्मचारियों को नाम मात्र वेतनमान 4400 रुपये ही मिल रहा है। इससे इन कर्मचारियों को अपने परिवारों का भरण पोषण करने में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मल्टीपर्पज़ वर्करों ने अन्य विभागों में अनुबंध कर्मचारियों की तरह ही मासिक वेतनमान देने और नियमित करने की मांग उठाई है। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में जल शक्ति विभाग में बग्गी के 80 पार्ट टाइम वर्करों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो इन कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।